नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर बड़ी है और इस लिहाज से बड़ी है कि उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड जो हुआ है उसके बाद योगी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह बयान दिया गया कि आखिर रातों रात अंत्येष्टि क्यों करनी पड़ी, आखिर रातों रात ही शव को क्यों जलाना पड़ा। क्योंकि इसके लिए जो हर कोई न सिर्फ यूपी सरकार को बल्कि यूपी पुलिस को भी निशाने पर ले रहा था कि आखिर परिजनों को बिना बताए, जो निश्चित तौर पर एक आरोप लग रहा है यूपी सरकार पर भी और यूपी पुलिस पर भी, लेकिन अगर उनके हिसाब से इस पूरे के पूरे मामले को देखें तो वो कह रहे हैं कि परिवार के कुछ सदस्यों को जो है वो बताया गया था, इसके बारे में जानकारी दी गई थी। लेकिन इसके अलावा जो बड़ा डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने ऐसा आखिर किया क्यों, रातों रात ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आपको ये कदम उठाना पड़ा, तो उन्होंने निश्चित तौर पर कहा है कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने निकल कर आई थी जिसके जरिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब ये पूरा का पूरा मसला है क्या, इसमें दरअसल दो बड़ी फाइंडिंग्स सामने निकल कर आई हैं। एक, किस तरह से उत्तर प्रदेश में दंगा कराने की कोशिशें जो है वो शुरू हो गई थी, जैसे ही ये मामला सामने निकल कर आता है, कैसे ही रातों रात एक वेबसाइट चालू होती है, कैसे ही रातों रात अलग अलग अकाउंट्स में जो है वो फंडिंग्स आनी शुरू हो जाती है विदेशों से, और ये पूरा का पूरा मामला फिर उसी तरह की टर्न ले रहा था जैसे हमने CAA में देखा था कि किस तरह से सारी की सारी चीजें प्लान तरीके से नजर आ रही थी। दंगा जो उत्तरी दिल्ली में हुआ था, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुआ था, जिसको उस समय पे तो लगातार लोग कह ही रहे थे कि ये पूरा का पूरा प्लान है, लेकिन उस समय पे कोई चीज सामने निकल कर नहीं आई। लेकिन बाद में जब हमने देखा कि इसको लेकर के फाइंडिंग सामने आई तो पता चला कि ये पूरी तरह से प्लान था, हर चीज डिसाइडेड थी, हर चीज एक तहत प्लान के तहत चल रही थी। वैसा ही कुछ यहां पर भी हुआ। अब जरा ये समझिए कि योगी सरकार ने हाथरस केस में जो हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट में CBI जांच के भी निर्देश दिए और सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि आप ही इसकी निगरानी कीजिए, आप ही अध्यक्षता कीजिए, आप ही यह तय कीजिए कि कैसे ये सारा का सारा मामला आगे बढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ CBI की निश्चित तौर पर उन्होंने आग्रह किया है कि इस पूरी की पूरी जो मामले की जांच है वो CBI से होनी चाहिए। अब दरअसल ये तो बता दिया योगी सरकार ने कि किस क्यों हमें रातों रात जो है वो अंत्येष्टि करनी पड़ी। इसके साथ साथ प्रशांत कुमार ने जो कल अहम बातें कही हैं, ADG लॉ एंड ऑर्डर हैं जो पूरी की पूरी कानून व्यवस्था संभालते हैं, उनके साथ साथ जो खुफिया एजेंसी के खुलासे हुए हैं वो क्या कहते हैं, दरअसल उन्हें आपको बहुत अच्छी तरीके से सुनना चाहिए, बहुत डिटेल्ड में आपको जानना चाहिए कि वो सारी की सारी चीजें क्या थी। क्योंकि जो बताया जा रहा है कि हाथरस घटना के बाद जस्टिस फॉर हाथरस नाम से एक वेबसाइट बनाई गई जिसमें मुख्यमंत्री योगी के गलत बयान प्रसारित किए गए। रविवार देर रात पुलिस ने वेबसाइट और इससे जुड़ी लोकेशन पर छापेमारी भी की और लखनऊ के हजरतगंज कोतवाली में एक FIR भी दर्ज की गई। इसके अलावा जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे फंडिंग्स आनी शुरू हो गई, कैसे चीजों को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया गया, यानी ये भी एक प्लान तरीके की घटना के तौर पर इसे अब आगे ले जाया जा रहा था उस रात के बाद, जिस रात की रिपोर्ट जो है वो खुफिया विभाग को पहले लग गई थी कि अगर सुबह होने तक का इंतजार किया गया और सुबह अंतिम संस्कार किया गया तो फिर दंगा भड़कने की उम्मीद है, इसी वजह से ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आई है। तो ये आप लोगों का जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इसको हर कोई अपने अपने तरीके से प्ले आउट कर रहा है, लेकिन जैसा हम लगातार आपको कहते रहते हैं कि यहां पर आपको सही चीजें मिलेंगी और सही चीजें जो खुफिया रिपोर्ट के अनुसार सामने निकल कर आ रही है और जो यूपी की प्रशासनिक यूपी के पुलिस अधिकारी कह रहे हैं वो निश्चित तौर पर यही बात है कि क्यों वो शव को रातों रात उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा और आखिर कौन सी वो डिटेल्स थी जो सामने निकल कर आई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।